हाँ बर्फ वाला ठंडा पानी दो। गाइज मैं अभी बाहर से आया हूँ और ये दीदी जो ठंडा पानी देने लगी है मुझे बर्फ वाला, ये कि ठंडा पानी ले लो। तो यहाँ पे खसबे ममूर जो है मैडम ने सफाई वगैरह कर दी है सारी। जब ये स्कूल से आई है तो बहुत थकी हुई थी, बुखार भी हुआ था तो मेडिसिन खा के लेट गई थी। तो अभी देखें बेडशीट भी साफ़ हो गया है सारा। तो बच्चे कह रहे थे कि हमने खाना खाना है, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अभी हमने कोई चीज़ नहीं पकाई, तो मैं अभी आया हूँ। आज क्या बनाना है हमने? बनाना था, अब बनाना नहीं है। हमारी ना फ्रिज में इधर पड़ी हुई हैं भिंडियाँ, फ्रीज की हुई हैं, भिंडियाँ बनानी थी। ये देखें यहाँ पे भिंडियाँ भी पड़ी हुई हैं और इसके नीचे जो है बैंगन भी पड़े हुए हैं। लेकिन आज मैं आते हुए लेकर आया हूँ दाल, और दाल को मैंने यहाँ पे भिगो के रख दिया है। आज बनाने लगे हैं दाल और ये प्याज काटने लगे हैं। तो यहाँ पे आज बनाने लगा हूँ दाल, मैं खुद दाल बनाऊँगा, दाल माश। आप चेक कीजिएगा आज मैं किस तरह की और कैसे दाल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको किचन में दिखाता हूँ। मैंने प्याज वगैरह काट लिए हैं सारे, तो देसी वगैरह में डालते हैं अभी इसको। यहाँ पे देखें, ये देखें प्याज काट लिए हैं, तो हमारी जो देसी इसमें पड़ी हुई है इसमें बनाएंगे। इसमें डाल देते हैं प्याज। दीदी पता नहीं क्या बोल रही है, इधर पीछे आके क्या कह रही है। कौन मांग रहा था भैया? पैसे नहीं मांग रहा था, क्या मांग? वो पूछने आया था हमारे कितने व्यूज बढ़े हैं। तो गाइस कैमन को भी बड़ी बेचैनी लगी हुई है, वो बार बार पूछता है हमारे कितने व्यूज बढ़े हैं। तो आप वीडियो को शेयर भी कर दिया करें आगे और लोगों तक पहुंचे और ज्यादा हमारे व्यूज आए। और यहाँ पे देखें मैडम चाहती है सफाई कर रही है, और यहाँ पे इसने जो है झाड़ू इधर ही रख दिया दरवाजे के पास, अंदर की सारी सफाई कर दी है ये देख सकते हैं आप। और बाहर की अभी यहाँ पे फर्श वगैरह सारा वो साफ करेगी। तो यहाँ पे गाइस हमारी ये वाली गैस फिर चली गई है, इस चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ पे सिलेंडर भी रख दिया है, इसमें घी डाल दिया है। अभी प्याज थोड़ा सा ब्राउन होगा तो बाकी मसाला वगैरह इसमें डालेंगे। तो गाइस यहाँ पे प्याज अभी ब्राउन हो रहा है, और साथ ही हम यहाँ पे लहसुन अदरक और टमाटर वगैरह का पेस्ट बनाने लगे हैं। नमक भी इसमें डाल देना है। हाँ चलो, कितना कूटना है इसे, हुआ नहीं अभी। तो ये हाथ इधर क्यों रखा हुआ है, ये क्या स्टाइल है? हाँ चलो जल्दी जल्दी डाल दो, प्याज ब्राउन हो गया सारा। आज हम बनाएंगे दाल मज़े की। ये हल्दी डाल दी, मिर्चें गई। अगर मैं डालता ना हरी मिर्चें तो मैंने दूसरी तरह डालनी थी, बारीक बारीक काट के। अच्छा देखो मैं बनाने लगा हूँ दाल, तो बीच में टांग अड़ा दी ऐसी आके। आज मैंने बनानी थी, मुझे फ़ोन किया कि खाना लेके आओ, तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा मैं जाके पहले हांडी बनाता हूँ, अपना काम बाद में करूँगा। तो यहाँ पे गाइस दाल इसमें डाल दी है, तो अभी 5 मिनट में दाल तैयार हो जाएगी। दाल पकाना कोई मुश्किल काम है, घड़ी के 5 मिनट, 5 नहीं तो 10 10 मिनट टाइम देखें, दाल हमारी रेडी हो जाती है। तो गाइज यहाँ पर मैं आते हुए एक खीरा भी लेकर आया हूँ, इसका हम सैलड बनाएंगे, साथ में प्याज वगैरह काटेंगे, ऊपर लेमन निचोड़ेंगे। और ये देखें आज फिर एक नई डाटा केबल लेकर आया हूँ। मेरी डाटा केबलें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, बहुत ख़राब होती हैं, शायद इतनी डाटा केबल किसी की ख़राब हुई हो। तो यहाँ पर गाइज हमने खीरा काट लिया है, अभी इसके साथ हमने प्याज काटना है और ऊपर उसके लेमन और नमक डालेंगे, ताकि दाल के साथ आज रोटी खाने का मज़ा आए। क्या ख्याल है? तो यहाँ पे गाइस हमारी दाल भी रेडी हो चुकी है, तकरीबन थोड़ा सा टाइम और रह गया है। होगी है, होगी है रेडी, बस अब रोटी ले आओ तो साथ में खाएं। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारी दाल चाल रेडी हो चुकी है, और ये देखें हमारा जो सलाद भी बन चुका है बहुत ही मज़े का। रोटियाँ मैं आते हुए बाज़ार से ले आया था तंदूर से, और इधर दीदी को बहुत भूख लगी है, ये भी रेडी बैठी हुई है। और पीछे कैवन, कैवन तुम क्या कर रहे हो? कैवन को ना आज यहाँ पे टांग पे बाइक का सिलेंसर लग गया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखें कितना ये नील बन गया हुआ है, तो इसके ऊपर कोई चीज़ भी नहीं लगाई अभी। तो गाइज अब हम खाना छाना खा लें। तो ये क्या है, मैडम लेकर आई है नमक, नमक डाल रही है इसमें। तो अभी हम खाना खा लें, तो आज के व्लॉग को इधर ही हम एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।